Good morning. I am Dr. Gurdeep Singh, Senior Consultant Orthopedics and Joint Replacement, Manipal Hospital Gurgaon. Today I am here to give a small talk on total knee replacement and I hope that some of the misconceptions of total knee replacement are cleared with this small talk. So, what exactly is a knee replacement? Hip replacement and knee replacement is different from a liver or a kidney transplant. लीवर या किडनी में हम बाहर से लाके किसी डोनर का लीवर या किडनी पेशेंट के अंदर लगाते हैं नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट में जॉइंट पेशेंट का खुद का ही रहता है सिर्फ उसकी जो सरफेस खराब हो गई होती है उसी को हम बदलते हैं सो नी रिप्लेसमेंट में थाई बोन और लेग बोन की सरफेस एट मिलीमीटर इज़ रिप्लेस्ड बाय अ मेटेलिक टाइटेनियम इम्प्लांट दैट इज़ ऑल दैट इज़ डन इन अ नी रिप्लेसमेंट जोड़ पेशेंट का खुद का ही रहता है जो जोड़ रिमोटर्ड आर्थराइटिस चोट की वजह से या किसी और वजह से खराब हो गया होता है उसको रिप्लेस करके हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं दिस इज़ अ डिजीज ऑफ द एल्डरली जवान आदमी का जनरली जोड़ इतना खराब नहीं होता है कि उसमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े एंड देर इज़ नो अपर लिमिट हमने इवन 90 साल के पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट किया हुआ है द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज वेदर द पेशेंट इज़ फिट फॉर सर्जरी और नॉट सो इफ एनेस्थेटिकली एंड कार्डियकली द पेशेंट इज फिट ही कैन अंडर गो सर्जरी एट एनी एज दिस इज अ मॉडल ऑफ अ नी ज्वाइंट नॉर्मली हमारा जोड़ इस तरह बिल्कुल स्मूद होता है धीरे धीरे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही जोड़ की सतह घिसती है एंड इट बिकम्स आर्थरेटिक ग्रेजुअली द आर्थराइट प्रोग्रेसिज टू अ स्टेज वेर इन यू नीड अ नी रिप्लेसमेंट दिस इज अ नी रिप्लेसमेंट इम प्लांट वेअर जस्ट द सर्फेस एट मिलीमीटर ऑफ द बोन इज रिप्लेस बायटलिक इम्प्लांट सर्जरी के अगले दिन से पेशेंट चल फिर सकता है शुरू के दो से तीन हफ्ते हम एक वॉकर या स्टिक के साथ पेशेंट को चलने को बोलते हैं एक बार पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए देन यू कैन वॉक विदाउट एनी सपोर्ट देर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू दिस सर्जरी पेशेंट बहुत वजनदार हो मोटा हो तो भी हम ये सर्जरी कर सकते हैं अगर पेशेंट का हार्ट फंक्शन ठीक है और पेशेंट एनेस्थिजिया की तरफ से फिट है तो एनी पेशेंट कैन अंडर गो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी दिस इज़ अ रूटीन प्रोसीजर देर इज़ नो ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी वी डू इट अंडर टूर्नी के कंट्रोल पेशेंट को अगले दिन हम बिठा देते हैं चलवा देते हैं और तीसरे चौथे दिन पेशेंट घर जाकर अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है सिर्फ दो चीज़ें हम करने को मना करते हैं पेशेंट को एक आप आलथी पालथी मार जमीन पर नहीं बैठेंगे दूसरा आप इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करेंगे इसके अलावा आप सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं आप बस में चढ़ सकते हैं यू कैन रिज्यूम ऑल योर नॉर्मल एक्टिविटीज़ विच यू आर अनेबल टू डू बिकॉज ऑफ द नी पेन दिस इज़ अ सर्जरी विच इज़ डन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ़ योर लाइफ एंड आई वुड सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ सफरिंग फ्रॉम नी पेन एनी पेशेंट हु नीड्स अ नी रिप्लेसमेंट शुड अंडर गो अ नी रिप्लेसमेंट थैंक यू